Assalamualaikum viewers. वालेकुम और हमारे फैंस सारे उनके सपोर्ट की वजह से यार हम लोगों ने फिर एक और इंटरव्यू दे दिया माशाल्लाह न्यूज चैनल पे और उसकी क्लिप्स आपको दिखाई गई पूरी और लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट भी कीजिएगा। मोहब्बत की अनोखी मिसाल बीवी के इशारों पे नाचना महावरतन तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हमारे साथ कराची के इलाके नाजमाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा जोड़ा मौजूद है जो वाकई में बीवी के इशारों पे जो है वो डांस भी करता है, साथ ही साथ जो है ये जोड़ा वीडियोस भी बनाता है। मजीद हम इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा कब से जो है ये शौक चढ़ा आप लोगों को, मतलब वीडियोस बनाते हैं डांस करते हैं, तो ये बात हमने देखी कि वाकई में ये सच है या तो फिर जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, हम लोग माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से वीडियोस बना रहे हैं, 2-3 साल हो गए हम लोग को वीडियोस बनाते बनाते, और माशाल्लाह से लोगों को पसंद भी आई हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा लोगों का बात करना का स्टाइल, मोहब्बत मियाँ बीवी में जो होती है जो लोगों को अच्छी लगती है वो भी अच्छी लगी माशाल्लाह से, और लोग हमको पसंद भी करते हैं कि ये एक मिसाली कपल है एक दूसरे के लिए, हस्बैंड वाइफ दूसरे का साथ देते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से, आप देखते हैं माशाल्लाह से मोहब्बत अच्छी से करते हैं और सपोर्ट भी बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कब से जो है वो वीडियोस बना रहे हैं और डांस करते हैं, और ये वाकई में सच है कि जो भाभी हैं वो आपको जो है वाकई में अपने इशारों पे नचवा लेती हैं? ये 6 महीने से नचवा रही है मुझे, वैसे तो 2 साल से वीडियो हम लोग बना रहे हैं और नचवा 6 महीने से रही है, क्योंकि थोड़ा सा हमने ट्रेंड चेंज करे, लोग बोलते हैं यार वही वॉइस वाली वही नॉर्मल वीडियो बना रहे, थोड़ा सा ट्रेंड ले अब डांस वाली नाचने वाली बनाते तो लोग बोलते हैं नाचने में स्टाइल चेंज करें, लेकिन चलना है वक्त के साथ चलना है, फैंस को वैल्यू देनी है तो आगे बढ़ना है और उसी तरह आगे बढ़ते हैं हम लोग भी। शुरू हो जाते हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं मतलब उनको सपोर्ट देती हूँ उनके हर साथ में, मतलब हर साथ मियाँ बीवी दूसरे के दिन एक दूसरे की गाड़ी होती है, 4 पहिये होते हैं मियाँ बीवी दूसरे के, तो हम लोग दोनों 4 पहिये पल के चलते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट देते हैं, मतलब ये जो मैं बोलती हूँ माशा से मेरी बात मानते, ये जो बोलते हैं मैं इनकी बात मानती हूँ, हम लोग दूसरे को मतलब मायूस नहीं करते, एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ाते, जो बोलते हैं हाँ ये करना है चलो देखते हैं, हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, कामयाब देने वाला अल्लाह ताला है। अच्छा ये बताइएगा कि किस तरह से जो है वो भाई डांस करते हैं, और मतलब आप ऐसा क्या करती हैं जो है वो डांस करना शुरू हो जाते हैं? मैं ऐसा क्या करती हूँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, मैं बस लिपसिंग वगैरह जो होती है सॉन्ग ही वो करती हूँ, और जो ये मतलब फन टाइप का ये डांस करते हैं लोगों को अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करते हैं माशाल्लाह से, हम लोगों को पसंद है, हमें तो इतना वो भी नहीं था कि लोग हमें इतना आगे बढ़ाएंगे इतना आगे करेंगे फेमस बढ़ाएंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा इंटरव्यू भी होगा हम माशाल्लाह से आगे बढ़ेंगे, बंदा सोच तो नहीं होती ना कि बंदा वीडियोस तो हर बंदा बनाता है हर की शौक होती है। अच्छा सर आप बताइएगा बीइंग अ मर्द जाहिर सी बात है बाहर निकलते होंगे तो दोस्त वगैरह क्रिटिसाइज करते होंगे, रिश्तेदार भी करते होंगे, तो उस चीज़ को आप कैसे फेस करते हैं? नहीं सब हौसला माशाल्लाह बढ़ाते सब, कहीं मैं किसी के पास चले जाऊँ, बल्कि आजकल तो ये हो गया डिस्काउंट ऑफर मिल रही है मुझे, कहीं जाते हो पहचानते उसके अलावा अप्रिशिएट करते, उसके अलावा डिस्काउंट ऑफर भी देते, अभी मैं बीच में ठेले वाले भी पहचान रहे आजकल, वो केले लेने गया 2 दर्जन केले लिए 3 दर्जन दे दिए उसने, मैंने बोला क्यों पता नहीं कुछ बोला ही नहीं, मतलब मुस्कुरा दिया खाली, लोग मुस्कुरा देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं माशाल्लाह होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग को माशाल्लाह काफ़ी सपोर्ट मिल रही है। ये बताइएगा कि जाहिर सी बात है शादियों में भी जाते हैं तो क्या इसी तरह से फिर डांस करते हैं आप लोग? नहीं शादियों में जाते हैं तो लिपसिंग वाली थोड़ी मतलब साइड पे कोने में जाके वीडियोस बना लेते हैं चुपचाप के, फिर सब तुम कहाँ गायब थे हमने कहा वीडियो बना रहे थे, कह रहे अच्छा ये लोग भागे हुए थे वीडियो बना रहे हैं, इनको ये कहते हैं यार वायरल तो हो गए और कितना वायरल हो गए। अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? हमारी अरेंज मैरिज है, लेकिन कोई बोलता नहीं है कि अरेंज मैरिज है, मतलब तो लगता है कि लव लगना भी चाहिए ना, क्योंकि देखो ना अल्लाह ताला ने रसूल ने औरत को बराबरी का मुकाम दिया है और हमें औरत को बराबरी लेकर चलना है, अब वो उसको आप क्रिस्टलाइज क्या जो बोलते हैं नेगेटिव में लेकर चलते हैं या जिसमें लेकर चलते हैं कि औरत ऐसा नहीं है बराबरी नहीं कर सकती नहीं करते, वो सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरी तो ये काम में भी साथ देता हूँ उनके, हाथ भी उठाता हूँ पूछने से, आप ये आपको बताया कि सारा करते हैं या तो फिर कोई घर वगैरह के काम में भी हाथ बटाते हैं आपका? नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह सारे काम करते हैं ये, मेरे सब चीज़ में सपोर्ट करते हैं, हमें कहीं जाना हो तैयारी करनी हो स्त्री वगैरह करवाना हो तो स्त्री भी कर देते हैं,
खाना पकाने में मेरी साथ देते थे, कटिंग वगैरह कर देते हैं, रोटियाँ पराठे वराठे बनाते हूँ, तो मैं मतलब बेलते रहूँगी लिली से, लिली फ्री हो जाते हैं ना उनका काम से, एक साथ के फिर बैठ के खाना खाए, सुकून से बातें करें, टाइम स्पेंड करें, मूवीज़ वगैरह देखें हम लोग, मतलब हम लोग टाइम मिल के हम लिली काम ख़त्म करके और फिर हम टाइम स्पेंड अच्छा से करते हैं माशाल्लाह से। अच्छा ये बताइएगा, जाहिर सी बात है ससुराल है, तो ससुराल वालों ने क्रिटिसाइज़ किया या उनकी तरफ से भी आपको सपोर्ट मिली? नहीं, मेरे ससुराल से माशाल्लाह से मुझे बहुत सपोर्ट मिली। जब हम लोग स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते थे तो मैं अपनी अम्मी को, उनकी अम्मी को मतलब बताती थी, दिखाती थी, अम्मी देखिए हमने वीडियोस वगैरह बनाई इस तरह से, तो बोलती थी अच्छा तुमने बनाई, तुमने डाली, पब्लिक कर दी? हाँ, मुझे ना मेरी मतलब देवरानियों ने बताया, उन भाभीियों ने बताया तुम लोग बना रहे हो। बेचारी फ़ोन यूज़ नहीं करती मेरी सास, मैं दूसरे लोगों को बताते तो वो तो खुश होती थी, बोलती अगर बुरी नज़र से बचाए मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे खुश रहें, मतलब वो बुरा नहीं मानती हम लोग को, माशाल्लाह से उन्होंने सपोर्ट करती हैं। अच्छा आप बताइएगा आगे क्या देख रहे हैं, आगे के क्या प्लान से मजीद? आगे प्लान ये कि फैंस बताते हैं कि हमें किस तरह आगे मूव करना हो, और ट्रेंड बताते हैं, वक्त के हिसाब से ट्रेंड चेंज होते रहता है, अब वो ट्रेंड को देख के हम फॉलो करते हैं। अभी डांस के मैं शुरू जो मैं स्टेप करता था तो मेरे को मुश्किल लगता था, अब मेरी प्रैक्टिस में आ रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है किस तरह करना है। आपको पता है एक्सपीरियंस हर चीज़ में इसमें जितना बढ़ता है गेन करता है बंदा, उतना उसको वो काम इजी लगता है। जब भी तो लोग बोलते हैं ना 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, बस वही है साहब मेरा। अच्छा आपने जैसे बताया हमें कि लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी कितने टाइम में हो गई इनके साथ? अंडरस्टैंडिंग हमारी शुरू में माशाल्लाह से हो गई थी, क्योंकि हम लोग पहले मंगनी हो गई थी, तो हम लोग मतलब बातें वगैरह फ़ोन में करते थे, थोड़ा छिछोरी टाइप की मैं थी शुरू से, मतलब फन टाइप का कदम नहीं, स्टेप नहीं उठाया था, स्टेप मैंने ही उठाया था, क्योंकि जब पता है कि आपने एक रिश्ता बना लिया तो उसको फॉलो तो करना है ना आगे, तो उनको क्या पता कैसे चलेगा कि यार मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। थोड़ा सा घर वालों ने तो कर दिए, लव मैरिज नहीं थी, लेकिन लव मैरिज में तो पहले से ही लोग को पता होता है क्या कैसे चल रहे होते, तो इनको भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मेरे बारे में, इनको कि मैंने सही फैसला लिया, माँ बाप ने सही फैसला लिया, तो उनको कॉन्फिडेंस और इजाफा हुआ। हमारी जब मंगनी हुई थी हमने सही पिक्चर्स भी नहीं देखी थी, बगैर पिक्चर्स देखे अम्मी अपू आए, इनके अम्मी अपू आए और आके मंगनी मतलब हमारी कर दिए। फिर बाद में जब मैं कॉलेज जाती थी तो मतलब मुझे वहाँ फ्रेंड्स बोलती थी फियांसी के हस्बैंड का देखा ही नहीं, तो बोलती थी तुमने क्यों नहीं देखा, मैंने कहा अम्मी ने दिखाया ही नहीं। फिर घर में आके अंदर रोना धोना करती थी कि दिखाओ मुझे, कि मुझे देखना है। फिर मेरी अम्मी अपू फौरन सुबह जाते थे इनके घर पे कि ना तुम भाई पिक्चर दोस्त को पिक्चर देखनी है, लड़की इज्जत कर रही है, भले मंगनी तो हो गई हमारा वक्त मुलाकात भी नहीं हुई थी हमारी, सिर्फ पिक्चर की इन्होंने जिद की थी, फिर पिक्चर दिखाई इनको, फिर भेजी फिर उन्होंने पिक्चर देखते। अच्छा कितना साल हो गया आप लोगों की शादी को? माशाल्लाह माशाल्लाह से 13 साल हो गए हमारी शादी को। अच्छा 13 साल का अरसा जो था वो शुरू से ऐसे ही मतलब मोहब्बत भरा गुजरा, या कभी जो है वो कोई ऊंच नीच भी आई आप लोगों की जिंदगी में? ऊंच नीच तो हर इंसान की जिंदगी में आती है, गरीबी भी होती है, परेशानी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, कोई लड़ाई करवाता भी है, हमने मुश्किलात बहुत देखी है, एक दूसरे को मतलब सपोर्ट किया है, गरीबी में ज्यादा देखी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब स्टेबल है, मिडिल क्लास है, लेकिन ये नहीं बोलते लोग, समझते हैं हाई क्लास है, लेकिन लोग ये समझते हैं हम पैसा खर्च करते हैं या वो करते हैं वीडियो बनाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो टैलेंट सा बंदा आगे बढ़ता हूँ आपके सामने, दुनिया भर के लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। अच्छा थोड़ा सा अगर आप हमें अभी लाइव जो है वो भाई को डांस करने का कह दें, डांस करेंगे जहाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे। मैं तो तुझ पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से तुझ पे सवरती हूँ, पल पल आहे बढ़ती हूँ, माना के मजबूरी है, चाहत अभी अधूरी है, पर जी बिल्कुल। जैसे कि आपने देखा हमारे साथ नाजमाबाद से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा कपल मौजूद था जिनके दरमियान जो है वो जो मोहब्बत की जो है वो एक अनोखी मिसाल है, जो कि एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड तो करते ही हैं, साथ ही साथ जो है वो जिंदगी को भरपूर तरीके से जो है वो जी भी रहे हैं। जी हेलो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो इंटरव्यू, कैसा लगा हमारा वीडियो का? तो ये फाइनली हमने इंटरव्यू दे दिया, इसमें इन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स पे इंटरव्यू किया, जिसपे मोहब्बत को जगाया है ये मियां बीवी का प्यार बढ़ाने के लिए। देखिए कि इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और इंजॉय करेगा आप लोग, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।